रहमान रहीम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्रांस के शहर पेरिस के हवाले से। आप जैसा कि आप जानते हैं मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है और मैं बहुत दफा पेरिस जो है ये विजिट कर चुका हूँ। इस दफा लास्ट समर में जब हमने विजिट किया तो बहुत इंजॉय किया था। इसके हवाले में आपको बताता चलूँ कि पेरिस जो है ये दुनिया का मोस्ट विजिटेड सिटीज में से एक है। टॉप 3 जो है उनमें से ये कभी पहले दूसरे और तीसरे पे आता है। यूरोप का सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाला शहर है। इंतहाई खूबसूरत है। इसे टूरिज्म का कैपिटल भी कहा जाता है वर्ल्ड लेवल पे। पेरिस की जो खसूसियत है इस ये मल्टीकल्चरल शहर है। बहुत से लोग यहाँ पे रहते हैं। बहुत बड़ा शहर है और ये तकरीबन फ्रांस के वस्त में वाक़ है। इस शहर का जो सिंबल है वो एफिल टावर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं एफिल टावर जो कि ये पीछे से मेरे आपको नजर आ रहा है। ये एफिल टावर जो है ये एक लोहे की बनी हुई इमारत है जिसको 1899 में एक्सपो होने वाली थी फ्रांस में, उसके लिए बनाया गया था। और इसका बनाने का मकसद भी एक यूनिक एक अलग सी चीज कोई मॉन्यूमेंट्स बनाना था। इसको दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो 312 मीटर है और इसको डिजाइन करने वाला जो है उसका नाम सब नेम जो एफल था। इसकी ऊंचाई इसकी इसको अजूबों में शामिल करने की वजह नहीं है बल्कि इसकी यूनिकनेस ये है कि ये इंटायरली मुकम्मल तौर पे लोहे का बना हुआ है। और जो इसको डिजाइन करने वाला है गुस्ताव एफल उसको भी बाद में ये नाम दे दिया गया यानी कि लोहे का आर्किटेक्ट आयंस आर्किटेक्ट। तो उसने इसको एक यूनिक सा डिजाइन किया था। ये 3 फ्लोर्स हैं इसके जिन इसके ऊपर जाने के लिए दो दो तरफों से लिफ्ट जाती है और सेकंड फ्लोर तक स्टेयर्स से भी आप जा सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत है। जब आप इसके टॉप पे जाते हैं तो पूरा शहर आपको नजर आता है और ये ही फिर फ्रांस के शहर पेरिस की अलामत समझी जाती है। तो इसको बेसिकली तो 1899 में बनाया गया था एक्सपो के लिए। तो बाद में फिर ये एक शहर का निशान बन गया। इसको विजिट करने के बाद जो है दूसरी सबसे अहम जो चीज जो है वो पेरिस में लूवर म्यूजियम है। ये लूवर म्यूजियम जो है ये दुनिया का सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाला म्यूजियम है। म्यूजियम जो है ये 1783 में ये कायम हुआ था और लूवर इसका इस बिल्डिंग का इस किले का पहले से नाम था जो कि 12वीं सदी ईस्वी में बनाया गया था और उसी नाम से म्यूजियम का नाम रखा गया है। बहुत ज्यादा लोग इसको क्यों देखने के लिए आते हैं। इसमें बहुत से ज्यादा पुरानी चीजें हैं और हर दुनिया के कल्चर और हर तारीखी हवाले से मिस्र से लेके एशिया पाकिस्तान तक की अशिया वहां पे मौजूद हैं। लेकिन जो बिलखसूस जिसके लिए ज्यादा लोग आते हैं इसको विजिट करने के लिए वो है मोनालिसा का बनाई हुई पेंटिंग जो कि जैसा कि अभी आप ये मैं आपको दिखाता हूँ ये जो है ये आपने देखी होगी बहुत मशहूर है। ये मोनालिसा की जो पेंटिंग है ये ओरिजिनल जो है इटालियन एक लियोनार्डो दी विंची जो बहुत मशहूर जो पेंटर है उसने ये बनाई थी। तो ये असल जो है पेंटिंग ये वहां पे मौजूद है। इसको देखने के लिए इसको आप एक बुलेट प्रूफ शीशे में रखा गया है और इतनी लंबी लाइन लगी होती है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। मतलब जब हम म्यूजियम में शाम जाने के लिए बाहर से टिकट लेने के लिए लाइन थी उसमें सैकड़ों लोग लगे हुए थे। फिर जब हमने बाकी सारा म्यूजियम विजिट किया और सिर्फ मोनालिसा को देखने के लिए मैंने यूरोप के कितने शहर विजिट किए हैं बहुत से शहर विजिट किए हैं लेकिन इतनी लंबी लाइनें मैंने किसी और जगह पे नहीं देखी यूरोप में। तो वो जब उसको देखने के लिए जाते हैं तो वो जो पेंटिंग है वो कोई इतनी है सच इतनी कोई बहुत बड़ी पेंटिंग नहीं है बल्कि उसको देख के हैरानगी होती है कि इतनी छोटी सी पेंटिंग है जिसको देखने के लिए हम इतने घंटे लगाए हैं। और लेकिन एक यूनिक एक्सपीरियंस है। फिर वो उसकी बहुत सी खसूसियात हैं और कहते हैं जो उसको जिस तरह देखें जिस तरफ से आप खड़े होकर उसको देखें तो लगता है कि वो आपकी तरफ आपकी आंखों में उसकी आंखें आपसे आंखें मिला रही है और या मिला रहा है ये भी कोई पता नहीं कि पेंटिंग बनाने वाले ने कुछ कहते हैं कि औरत थी या मर्द था। लेकिन ये एक इंतहाई यूनिक है। लोग इसको देखने के लिए आते हैं। इस म्यूजियम में और बहुत से मुजस्मे भी हैं जैसा कि हम तो कोई इतनी पाकिस्तान में हाँ बिलखसूस कोई इतनी हिस्ट्री ऑफ आर्ट नहीं पढ़ाई जाती लेकिन इसके बावजूद जब हम वो सैकड़ों साल पुरानी पेंटिंग्स और मुजस्मे देखते हैं और देख के हैरत गुम हो जाती है कि आज से
500 साल पहले, 700 साल पहले, 1000 साल पहले, इस तरह की इतनी परफेक्ट पेंटिंग्स, जबकि कोई 3D प्रिंटिंग या कोई इस तरह के कैलिब्रोस नहीं थे, और जिस तरह से मतलब सेंटीमीटर का मिलीमीटर तक का उनका हिसाब किया हुआ है, और इतनी परफेक्शन है, इतनी परफेक्शन है, कुछ हमने ऐसी चीजें देखी नायाब के, बस उनमें देख के हैरत होती है, बंदे की आंखें खुली रह जाती है, और कितनी मेहनत की है उन्होंने उसको बनाने के लिए। तो उस वक्त के तारीख का हिस्सा है यूरोप का। तो ये म्यूजियम जो है, ये अगर आप पेरिस विजिट करें, तो अगर आपने ये म्यूजियम विजिट नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपने पेरिस विजिट नहीं किया। अभी हम इस वीडियो में आपको कुछ विजिट कराते हैं साथ साथ इस म्यूजियम का और पेरिस शहर का। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चलें अभी देखते हैं ये क्या है। इस वक्त हम शिप में हैं, और ये शिप जो है ये कैलस, मतलब यूके से फ्रांस जा रहा है। इस वक्त ये फ्रांस नज़र आ रहा है इस साइड से। तो इसके अंदर बड़ा माहौल है जनाब, बहुत गेम लगे हुए हैं, शॉपिंग कर सकते हैं आप, बच्चे खेल सकते हैं, लोग सो रहे हैं, एक तरफ सूरज निकल रहा है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं बिल्कुल फ्रांस के बॉर्डर के पास पहुंचे हैं। हम पेरिस शहर में पहुंच चुके हैं, और ये खुशबू और फैशन और शीशे की इमारतों से पहचाना जाता है। बहुत बड़ा शहर है, 2.1 मिलियन इसकी आबादी है। और जब हमने इसको विज़िट करने का फ़ैसला किया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मकामात हैं देखने के लिए, तो हमने मार्क आउट किए 3 पॉइंट इसके, एफिल टावर और दीगर 2 मकामात, नोदर डैम जो कि बहुत अहम था लेकिन वो हम नहीं विज़िट कर सके, वो आग लगने की वजह से बंद था। तो इसलिए सबसे पहले हम पहुँचे शांज़ेलिज़े एरिया में, और यहाँ पर आर्क दी ट्रायंप ये जो इमारत आपको नज़र आ रही है, इतना ही खूबसूरत है। 18वीं सदी के शुरू में ये बनाई गई, नेपोलियन बोनापार्ट ने इसके बनाने का हुक्म दिया था, और इसको मंसूब किया जाता है फ्रांस के लिए जो फतुहात की गई हैं नेपोलियंस दौर में, और उसके बाद जितनी भी जंगें हुई हैं तमाम जंगजुओं के नाम से, और इसके अंदर बहुत लंबी लिस्ट है उन लोगों की। तो इसके बाद हम एफ़ल टावर की तरफ रवाना हुए, और एफ़ल टावर पेरिस की निशानी है जी, बहुत बुलंद लोहे की बनी हुई खूबसूरत इमारत है, और इसके चारों तरफ बहुत खूबसूरत पार्क हैं और फाउंटेन्स लगे हुए हैं, और पूरी दुनिया से सियाह जो हैं वो यहाँ पे आके बहुत इंजॉय करते हैं। ये मुकम्मल तौर पर लोहे की बनी हुई है, और इसके ऊपर लाजमी जाना चाहिए, लिफ्ट जाती हैं टॉप मंजिल पे, और सेकंड फ्लोर तक स्टेयर से भी जा सकते हैं जिसके लिए टिकट लेना पड़ती है। इसके बाद हम अगली मंजिल जो है वो लूअर म्यूज़ियम जाना था। ये लूअर म्यूज़ियम जो है ये एक इंतहाई तारीखी, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा विज़िट किए जाने वाला म्यूज़ियम है, और बेसिक जो है बेसिकली एक किले में है जो कि 11वीं और 12वीं सदी में बना था, बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर दाखिल होते हैं तो ये शीशे का अहराम बना हुआ है पिरामिड्स, तो इसके अंदर से जो बाहर से शीशे की इमारत नज़र आती है ये उसके अंदर से बाहर का मंजर है। ये 2-3 फ्लोर्स पे है, अंडरग्राउंड भी है, और इसके अंदर बहुत से मुजस्मे हैं, जैसा कि यूरोप में पिछली सदी में बहुत ज़्यादा मुजस्मा साजी का रवाज था, तो इंतहाई मेहनत से बने हुए हैं, और इससे उनके फ़न को दाद दिए बगैर बंदा नहीं रह सकता। जब आप ये पेंटिंग्स देखते हैं इस म्यूज़ियम में, जब दुनिया की सबसे महंगी तरीन पेंटिंग्स और मुजस्मे जो हैं वो इस म्यूज़ियम में पाए जाते हैं। उम्मीद है कि ये विज़िट आपको अच्छा लगा होगा, और आप ये फ़ोटोज़ जो देख रहे हैं मेरे पीछे ये सारी इस म्यूज़ियम की हैं।